मम्मी निकलते हैं थोड़ी शॉपिंग करने, मैं और सवाल थोड़ी चुटपुट शॉपिंग करने जा रहे हैं। कुछ लाऊं? शांति नगर जा रही हूँ, अभी तो सब कुछ सब्जी लेके आनी है ना। हाँ सब्जी। तो ये रही अम्मी की सब्जी की लिस्ट, ऐसी वीकली आती है या 10 दिन में एक बार आती है, तो हम एक साथ सब्जी मंगवा के रख लेते हैं। आज हम खुद जा रहे हैं तो हम लेके आएंगे। बहुत अच्छे बाद मैं और सबा ऑटो में जा रहे हैं और हमें ऑटो में जाना बहुत पसंद है और शोएब बहुत डांटते हैं अगर हम ऑटो में घूमते हैं, और हमें आउट ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव वो हमें बार बार बोलते रहते हैं कि नहीं गाड़ी लेके जाओ, गाड़ी लेके जाओ। लेकिन आज हम दोनों को मौका मिल गया कि अरे संतोष भैया को तो हाफ डे चाहिए तो हम ऑटो लेके जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा मार्केट बंद है क्योंकि आज मंडे, और सब और मुझे दोनों को ये रियलाइज़ नहीं हुआ घर पे, और अब हम आ चुके हैं। सो मुझे मेन खरीदना था टेलकॉम और सिजर्स, और ये एक दुकान हमें खुली मिल गई है तो आई गेस यहाँ भी मिल जाएगा। मुझे सिजर्स चाहिए। सो यहाँ से तो हमको मिल गया जो चाहिए था, इसका इस्तेमाल मैं आपको घर चल के बताऊँगी। और अभी हम लोग दूसरे मार्केट जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग दुपट्टे लेसेस वहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं। वैसे आपने देखा हुआ है वो अम्मी जो सबसे पहले लॉकडाउन के बाद गई थी, इतनी खुश थी। तो हम लोग भी वही जा रहे हैं। सो उतरते ही हमें ये दुपट्टे दिख गए हैं और इनकी हमें बहुत ही जल्द जरूरत पड़ने वाली है ना सबा। और वो नहीं बताएं, वो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हमें कलरफुल दुपट्टों की बहुत जरूरत, बहुत बहुत सारे दुपट्टों की जरूरत पड़ने वाली है, तो इसका प्राइस पता करते हैं। तो ये मेरे कुछ काफी समय से सूट्स रखे हुए थे जिनके दुपट्टे अब तक बन नहीं पाए हैं, तो आज हम वो दुपट्टे ले रहे हैं। एक्चुअली एक वन पीस है इंडो वेस्टर्न जो मैंने उठाया था, तो इसे मैं प्लाजो के साथ, और ये मुझे परफेक्ट मैच दुपट्टा मिल गया। से कहते हैं परफेक्ट मैच, तो लगभग हमें सारे दुपट्टे मिल गए और अब हम जा रहे हैं लेसेस की शॉप में कुछ लेसेस लेने के लिए, दुपट्टों पर लगाने के लिए। तो अब हम चलेंगे सब्जी लेने, वापस वहीं फेंक दी हमने, सोचा हम सब्जी उठा के कहाँ घूमेंगे। अच्छा लिस्ट का है? लिस्ट मेरे बैग में हर चीज होती है। अच्छा आलू 1 किलो, लौकी 1 किलो, मृदा ने सही लिखा है। हाँ मतलब इसे कैसे बनेंगे, इसे काटते ही बनेगा के बनी जाएंगे मुझे लगता है, जल्दी पक जाएंगे। ये हमारी अम्मी का फेवरेट, वो हमेशा बोलते हमारे लिए वो लिया ना दाल में डाल के, हमें बहुत अच्छा लगता है, उनका बहुत फेवरेट है। आज क्या बनेगा आप, क्या कोई सब्जी? हाँ कोई सब्जी होगी, सब्जी और कोई सूप होगा। ये हल्दी मैंने सुना है बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, तो आज हम इसे ट्राई करने वाले। ये 1.5 किलो 2 जगह बांधना। आजकल शोएब और मेरी डाइट में ये बहुत अहम किरदार निभा रहे हैं। ये 2 तरीके की लेटेस हैं, ये है आइसबर्ग, ये सैलेड में यूज होती है, और ये दूसरी है इसका नाम मुझे नहीं पता, ये जब मैं लेटेस रैप बनाती हूँ तो इसका यूज होता है। हम पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू अंकल को नमस्ते बोलना। हाँ। मैं जब भी आती हूँ वो मुझे नहीं मिलते, दोपहर में नहीं मिलेंगे, 5 बजे के बाद ही मिलेंगे। कितने बजे के बाद बोला? 5 के बाद। ये देखिए सब्जी का भंडार, सब्जियाँ खाना बहुत जरूरी होता है, इसलिए आप लोग भी भर भर के सब्जी सैलेड सब खाइए। तो हम चल रहे हैं घर, ये ऑटो वाले भैया हमको बहुत अच्छे मिल गए जो बहुत सुकून से हमारे लिए रुके, और अब यही हमें घर छोड़ेंगे। बस थोड़ा थोड़ा, कल जब मैं ऐसे मुड़ी तो उन्होंने देखा थोड़ा है दर्द। ये रिक्शे वाले भैया वाकई में बहुत ही स्वीट थे, इन्होंने हमारी सब्जी निकालने में देखिए मदद भी की। सो मैंने नहा लिया है, वापस आने के बाद मैं बहुत थक गई थी क्योंकि एक तो डाइट चल रही है, डाइट में वैसे ही एनर्जी थोड़ी लो होती है, तो मैं सो गई थोड़ी देर के लिए। और अब मैं ना पहली बार अपना हेयर कट ट्राई करने वाली हूँ। देखो मुझे ज्यादा नहीं काटना, मुझे ट्रिमिंग करनी है, क्योंकि अगर बिगड़ गया उसके बाद थोड़ा आधा इंच का स्कोप छोड़ूंगी ना, क्योंकि मलिहा के पास चली जाऊंगी तो वो ठीक कर देगी। तो इसीलिए मैंने ढेर सारे वीडियोस देखे हैं पिछले कुछ दिनों में, तो उनके हिसाब से मैं सब कुछ खरीद के ले आई हूँ। देखो आज जो मैंने मार्केट से खरीदा था एक क्या बोलते हैं इसको, मोटी वाली कोम
ये टेल कॉम, ये मैं दो ऑप्शंस ले आई हूँ, ये दो कैंची के ऑप्शंस ले आई हूँ, थोड़े से ये हमने क्लचर्स रखे हैं और मैंने वाटर स्प्रे रखा है। तो चलो ऊपर वाले का नाम लेके ट्राई करते हैं। आधे पार्ट को ऊपर क्लिप कर देना है। ठीक है, एट कोम करके अंदर वाला हिस्सा पहले लेना है और इसे इस तरह से जितना आपको ट्रिम करना है वो पकड़ के पहले कैंची खोल करके ऐसे पकड़ती है ना कैंची। देखो ये जितना मैंने मलिहा को ऑब्जर्व किया है ना उस हिसाब से, अगर मलिहा इफ यू आर वॉचिंग द वीडियो तो मुझे बहुत पिटाई लगाने वाली हो, तो ये वो ऐसे 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 कट करती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो गया। हाँ इतना ठीक है। नॉट बैड, ठीक है ना, अगर कुछ ठीक ठाक कराने जाना भी पड़ा तो चली जाऊंगी, उसमें क्या है। सेम चीज इस तरफ, एक तरफ के बाल मैं क्लिप कर लूंगी और ये इस तरफ के कट करने लगूंगी। इसको हम पार्ट करके अलग से रख देते हैं। और अब मैं इन्हें सेक्शंस में ले लेके नीचे से बिल्कुल उसी तरह से स्लांट में कट करती जाऊंगी। स्प्लिट एंड ट्रिम करने के लिए नॉट बैड, आप कर सकते हो घर पे। हाँ देखो ये सही कटा। सो मैं बालों के सेक्शंस पीछे से पिक करते करते फिर आगे की तरफ आऊंगी, ये मैं कर रही हूँ। एंड आई होप है कट अच्छा हो। और अब ये फ्रंट का सेक्शन मैंने लिया है और इसे जो है अच्छी तरह से ब्लेंड करने की काफी ज्यादा जरूरत होती है। सो मेनली मैं इतना चुप हूँ क्योंकि मैं पूरा कॉन्सेंट्रेशन मैं इस पे लगा रही हूँ। देखिए मुझे ना ये सब करने में मजा आता है कि हाँ मैं जा सकती हूँ वैसे तो, लेकिन कभी कभी हो जाता है ना कि आप अटक गए हो, आपको खुद ही काटने पड़ रहे हैं, तो एक बार आजमाने में क्या दिक्कत है। तो इसीलिए हाँ मैं ये नहीं कह रही कि हम लोग प्रोफेशनल हेयर कट कर पाएंगे, पर कभी अगर हल्की सी ट्रिमिंग करनी है या सडनली आपको लगे कि यार ये सामने के बाल थोड़े छोटे करने हैं तो आना चाहिए ना, थोड़ा सा तो आना चाहिए। अब ये मैं सुखाने के बाद डिसाइड करूंगी कि मुझे ये और छोटा शायद चाहिए होगा, मैं सुखाने के बाद डिसाइड करूंगी। सो बाकी की ट्रिमिंग तो मैंने कर ली है, लेकिन मुझे पर्सनली जब मैं पार्लर पे जाती हूँ तो मैं ऐसे ही कटाती हूँ कि ये फ्रंट के जो एकदम थोड़े से है ना वो मुझे ज्यादा छोटे अच्छे लगते हैं, तो अब मैं वो कट कर रही हूँ। और जितना मैंने देखा है कि फ्रंट का हमेशा टॉप में इस तरह से वो लोग सीधा लेते हैं और फिर उसे स्लांट में कट करते हैं, दिस बीइंग द स्मॉलेस्ट। अभी मैं बाल ड्राई कर लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। सो मेरे बाल मैंने कर लिए ड्राई, रफ ड्राई किए हैं ज्यादा नहीं, और जैसे मुझे चाहिए थे वैसे हल्के हल्के कट गए एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो मुझे लगता है कि मैं ट्रिमिंग तो मैनेज कर लूंगी अगर कभी जाने का मन ना करे या कभी ये, क्योंकि बहुत जल्दी लंबे होते हैं तो सडनली अगर ये छोटे कटवाने हो तो उसके लिए देखिए ये बहुत अच्छे कटे हैं। सो ये सही कटे हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी।
सो इनफैक्ट मैं आप लोगों को भी बोलूंगी यार, अगर कुछ करने का मन करे तो कर लो, अपनी खेती है, कभी भी उग जाएगी।